ये सुबह अपने पास एक आई एस टीम, इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा, गाड़ी का सेल लग रहा लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही है। तो आपको बता दूंगा इसका प्रॉब्लम हमेशा ये नहीं होता कि गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम हो, मतलब इंजन में, तो छोटा मोटा भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसको अपने डायग्नोस्ट करते हैं, कैसे डायग्नोस्ट करते हैं मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। तो पहला तो आप गाड़ी में आ जाओ, पहले जब आप चालू करोगे अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट है सर, टेक्निकल फॉल्ट, तो जो चेक लाइट आती है ना वो आनी चाहिए, लेकिन इसमें चेक लाइट आ नहीं रही है। चेक लाइट नहीं आ रही मतलब पहला पर्पस बनता है कि गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो जो इंजन कंपार्टमेंट में, ये शायद अपने अंदर साइड से ही प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब छोटा मोटा प्रॉब्लम। इसको डायग्नोस करते हैं अपने, पहले अपने सेल मार के वो दिखा दो, पहले सेल लग रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसे सेल ले रही है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसका पहले तो हम लोग उसका फ्यूज बॉक्स ही चेक करेंगे, कोई फ्यूज तो नहीं उड़ गया, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम छोटी सी वहीं होती है, वहाँ से शुरू करेंगे, आगे प्रॉब्लम होगी तो आगे सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ सॉल्व जाती तो अपना काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये सारे फ्यूज हम चेक कर लेंगे वन बाय वन, देखो पहला इसका अंदर का फ्यूज चेक करते हैं केबिन का, फिर इसके बाद बाहर का। अब मैं सारे फ्यूज चेक करता हूँ, फिर अगर कोई फॉल्ट आएगा फ्यूज में तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये एक खींच खींच के पुलर से, लेकिन उसमें क्या है कि यहाँ के फ्यूज में कोई फ्यूज नहीं मिला मेरे को, मतलब यहाँ के फ्यूज बॉक्स में प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने चलते हैं उसके कंपार्टमेंट में, आगे इंजन रूम में, वहाँ पे भी फ्यूज आता दूसरा, ठीक है, तो वहाँ के फ्यूज को देखते हैं अपने। खोलो फ्यूज, डब इसको खोलो। तो ये अपने गाड़ी में फ्यूज दो जगह होता है, एक यहाँ पे होता है और एक अंदर, दो फ्यूज बॉक्स है, एक तो ये रहा, ठीक है, डायग्राम के साथ में एक ये रहा, ये एक यहाँ पे भी अपना फ्यूज आते हैं। वो अंदर वाला सूट ना करने का रीजन क्या था, वो थोड़ा कंजेस्टेड था, ये वाला दिखा ज़्यादा अच्छी तरह यहाँ दिखता है अभी, ठीक है। ये दो फ्यूज है, इसे मेन फ्यूज में आपको दिखाते जाता हूँ, बताते जाऊँगा, उसमें डायग्राम भी होता है पीछे। ये काफ़ी पुरानी गाड़ी इसलिए इसमें है नहीं, तो भी यहाँ लिखा है देखो इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये एक एसी का है, इसके नीचे फ़ैन का है, एसी रेडिएटर फैन हॉर्न मेन। अगर इसमें किसी भी फ्यूज में प्रॉब्लम होगी, जैसे मेन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अगर मेन में प्रॉब्लम होगी तो चेक लाइट नहीं आती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो पहले अपना मेन काम है मेन फ्यूज चेक करना है, ठीक है। तो अपने मेन फ्यूज निकालते हैं, मेन फ्यूज लगाओ, निकालो, ठीक है, अपने निकालते हैं मेन फ्यूज, खींचो इसको अपने, पहले तो मेन फ्यूज, ये तो जल्दी ऐसे आपको ऊपर से देखने को नहीं मिलेगा, अगर बाहर से जल गया है ये तो मालूम पड़ता है, नहीं तो ऐसे मालूम नहीं पड़ता है। तो अपने क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देने वाले दूसरे के साथ, ठीक है, चेक कर लेते, ठीक है। ये काफ़ी पुराना मॉडल है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है जिसमें ECM आता है उसमें सारा सब फंक्शन इसी जैसा ही है, ठीक है। ये कनेक्टर बनाया हुआ है, इसे देखो, ये बल्ब अगर होगा तो बल्ब जलेगा, हाँ बल्ब जल रहा है, मतलब आपको फ्यूज की डिटेल शेयर कर दूँ, तो ये है 12 वोट का 20 एम्पियर का है, ठीक है, इंटरफेस है, ये 4 पिन वाला है ये, बस ये अगर ये ख़राब है तो अपने इसको बदल देंगे, अगर अपना प्रॉब्लम इससे सोल्व हो गया तो अपना काम हो जाएगा, नहीं तो बाकी फ्यूज भी अपने पहले चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। लाइट जल रही है मतलब बराबर है, अब अपने इसको अपने पहले अपना फ्यूज ही बदल देते हैं, पहले एक फ्यूज ले आया, मेरा फ्यूज सेम, ठीक है, अब अपने इसको लगाते हैं और ये गाड़ी का सेल मारते हैं, देखो ये लगा दिया, अपने सेल करते हैं, ट्राई करते हैं, अगर गाड़ी चालू हो गई तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ये चालू हो गया, हर बार जरूरी नहीं कि गाड़ी आपकी बंद है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं कि आपकी गाड़ी जब बंद हो तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है, आप सिम्टम्स के ऊपर से भी गाड़ी का छोटी मोटी प्रॉब्लम से भी आप सोल्व कर सकते हो। ये एक जनरल पर्पज़ है कि अगर आपका मेन फ्यूज में प्रॉब्लम आएगा ना तो आपकी चेक लाइट नहीं आएगी, ये मेन सिम्टम्स है, वहीं से गाड़ी डायग्नोस की हम लोगों ने, तो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ठीक है। कैसा लगा वीडियो बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।